ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्टीरियस मूवी है जिसमें एक मास्क पहना गरीब आदमी बिजनेसमैन की एक पूरी टीम को एक एक करके बेरहमी से मार देता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है गाड़ी में बैठे आदमियों को दिखाते हुए। ये सभी लोग इन्वेस्टर होते हैं जो कि एक कॉलर एजेंट नाम की कॉलोनी में इन्वेस्ट करके वहाँ कॉलोनी खड़ी करने वाले थे। इन लोगों की टीम में 9 आदमी होते हैं और इनमें से जॉनस नाम का आदमी इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर होता है। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट एक हफ्ते बाद होने वाली थी और इसीलिए सारे इन्वेस्टर को 7 दिनों तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में शामिल किया था। अब ये सभी लोग एक होटल पर आते हैं। यह होटल एक जंगल में है और यहाँ स्टाफ भी बहुत कम होता है। सारे लोगों को अपना अपना रूम दिया जाता है। फिर ये सभी एक हॉल में कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाते हैं। इन सब में एक लीना नाम की लड़की होती है। लीना जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जॉनस से ये प्रोजेक्ट जिस जगह खड़ा होने वाला था वहाँ के किसानों की जमीन के बदले तय रकम से ज्यादा पैसे देने की बात करती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में थॉमस नाम के एक किसान की सारी जमीन जा रही थी और बदले में उसे बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे। लेकिन जॉनस उसे कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुमने पहले ही एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं। लीना जब उस एग्रीमेंट को देखती है तो उस पर उसके साइन होते हैं, पर उसे ये पक्का यकीन था कि ये साइन उसने नहीं किए। अब लीना बेचारी परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके थोड़े फायदे के लिए किसी किसान का नुकसान हो जाए। इधर होटल के स्टाफ का आदमी जॉनस के कमरे में आता है और वहाँ कुछ सामान रखकर वहाँ रखी एक बियर की कैन उठाता है। फिर बाहर जाकर वो उसे पीने लगता है। तभी कोई उसके पास आता है और उसके नीचे से एक हथियार घुसाकर छाती के आरपार करता है। अभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी कोई एक मास्क पहना आदमी इनके पास आकर इन्हें हंसाने लगता है। फिर जब वो मास्क उतारता है तो वो जॉनस होता है। फिर ये लोग बाहर आते हैं जहाँ एक फिजिकल टीचर इन सब के फोन एक बॉक्स में जमा करती है और उस बॉक्स को अपने पास रख लेती है। यहाँ लीना एमए नाम के आदमी को उस किसान को हरजाना देने की बात कर रही थी, पर वो उसे कहता है कि उस किसान ने सुसाइड किया। फिर वो फिजिकल टीचर इन सब को लेकर नदी पर आती है और इनके बीच कंपटीशन लगाती है। इधर जहाँ इनके मोबाइल रखे थे वहाँ एक आदमी आता है और इनके मोबाइल से भरे बॉक्स को साथ में ले जाता है। उसे यहाँ जॉनस ने पहना हुआ मास्क भी दिखाई देता है तो वो उसे भी उठा लेता है और अपने सर में पहन लेता है। फिर हमें होटल के अंदर काम करने वाली माइग्रा नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि कुछ सामान उठा रही थी। तभी उसके सामने वही मास्क पहना किलर आता है। उसे देखकर वो भागने लगती है। वो किलर उसका पीछा करता है और उसे एक पैन फेंक के मारता है। फिर उसके पास आकर उसके सर में मारता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इधर ये लोग अब रस्सी के सहारे नदी पार करने की ट्रेनिंग ले रहे थे। जब लीना की बारी आती है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो डर कर मना करती है, जिसके लिए जॉनस उसे बहुत चिढ़ाता भी है। लीना वहाँ से भागकर अकेली ही होटल की तरफ आती है और खिड़की से जॉनस के कमरे में घुसती है। फिर वो उसका लैपटॉप निकालकर देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि जॉनस ने किसानों को दिए जाने वाले पैसों में से कमीशन खाया है। अब बाकी लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वो जब उस फिजिकल टीचर से अपनी फोन मांगते हैं तो उस टीचर को वहाँ रखे फोन नहीं मिलते, इसलिए वो होटल के स्टाफ को पूछने के लिए होटल के अंदर जाती है। उसे वहाँ हर जगह कमरे में खून दिख रहा था। वो जब उस खून को देखते हुए एक कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ उसी लड़की की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है। वो देखकर चिल्लाती है और भागने लगती है। इतने में वो किलर वहाँ आता है और उसके मुंह पर मारता है। फिर वो उसके सर पर वार करके उसे मार देता है। इधर लीना उस लेटर को अपने पेन ड्राइव में लेकर निकल ही रही थी कि जॉनस कमरे में आता है। उसे देखकर वो तुरंत कॉट के नीचे छिप जाती है और उसकी खुशकिस्मती से जॉनस उसे नहीं देख पाता। फिर शाम को ये सभी लोग टब में उतरकर पार्टी करने लगते हैं और एंजॉय कर रहे थे तभी लीना वहां पर आती है। लीना नादिया और एमए को कुछ जरूरी बात करनी है कहकर बाहर बुलाती है। फिर वो इन दोनों को जॉनस की सारी सच्चाई बता देती है। फिर वो वापस जॉनस के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे थोड़े से लालच के लिए बेचारे किसान की जान गई। अब जॉनस अपनी सारी सच्चाई सबके सामने आती देख लीना से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो लीना से जब अकेले में बात कर रहा था तो वो लीना को आधा पैसा देकर चुप रहने के लिए कहता है, पर लीना उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। इधर टॉम नाम का लड़का टब में अकेले ही नहा रहा था तभी उसे वही मास्क पहना किलर दिखाई देता है जो घास काटने की मशीन को ऑन कर रहा था। टॉम को लगता है शायद वो जॉनस ही है।
जो दोबारा वो मास्क पहनकर आया। फिर वो किलर उस मशीन को लेकर उसके पास आता है और टॉम की छाती पर चलाता है। उसे देखकर वहां खड़े बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। टॉम की मौत के बाद वो किलर अपनी अगली शिकार पर निकल पड़ता है। इधर एंजेला नाम की औरत डिनर के लिए होटल में आती है तो उसे वहां हर तरफ खून दिखाई देता है। वो तुरंत डरकर वहां से भागने लगती है कि तभी वो किलर उसके सामने आता है और उसके मुंह पर पंच मारकर झंडा लगे हुए जगह पर उसे लटका देता है। तभी वहां बचे सारे लोग उस किलर को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और किलर अब इनकी तरफ ही बढ़ता है तो ये लोग वहां से भाग जाते हैं। एमए, नादिया, जॉस और उसकी वाइफ मारिया एक कमरे में आकर छिप जाते हैं। वो पुलिस को कॉल करने की सोचते हैं पर उस किलर ने सारी टेलीफोन की लाइन काट दी थी। इधर जॉनस और लीना जंगल से नदी की तरफ भाग रहे थे कि तभी उस किलर ने बांधे हुए तार से जॉनस टकराता है और उससे उसका सर कटता है। लीना उसे उठाती है और ये लोग नदी के पास आते हैं। वहां पड़ी राफ्ट से ये लोग वहां से निकलने की सोचते हैं। राफ्ट नदी के बीचों बीच आते ही जॉनस लीना को वो पेन ड्राइव मांगता है। अब लीना के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो जॉनस को वो पेन ड्राइव दे देती है। पेन ड्राइव लेते ही जॉनस उसे राफ्ट से धक्का दे देता है। लीना बेचारी उस ठंडे पानी में तैरते हुए किनारे की तरफ जाने लगती है। अब जॉनस भी जिस राफ्ट से जा रहा था वो भी बीच में ही टूट जाती है। लीना किनारे पर आकर वापस होटल की तरफ जा रही थी तो किलर फिर एक बार उसके पीछे लगता है। लीना एक गड्ढे में छिप जाती है। वो किलर जैसे ही उसके पास आता है वो उसके सर में मारकर वहां से भाग जाती है और होटल की तरफ जाने लगती है। इधर ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुंचने का प्लान बना रहे थे कि तभी वो किलर उस गाड़ी के पास आता है और उसमें आग लगा देता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ इनके पास लीना भी आ जाती है। इधर उस किलर से बच के इन्हीं की साथी एक बूढ़ी औरत एमिट जो छुपी हुई थी वो बाहर आती है। इतने में जॉनस उसके पास आता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। जॉनस उसे कमरे में ले आता है। जॉनस अपने आप को आईने में देखता है तो उसके सर से बहुत खून बह रहा था। वो एमिट को उसे टांके लगाने के लिए कहता है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर जॉनस यहाँ से भागने लगता है। एमिट भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। जॉनस को वही एक स्कूटर मिलती है। ये दोनों उसे स्टार्ट कर ही रहे थे कि तभी वो किलर वहां पहुंच जाता है। स्कूटर स्टार्ट करने के लिए एमिट धक्का दे रही थी। स्कूटर स्टार्ट होते ही जॉनस एमिट को बिना बैठाए ही स्कूटर भगाता है। एमिट अब उस स्कूटर से लटक कर घसीटने लगती है पर जॉनस स्कूटर नहीं रोकता और तभी एमिट का हाथ छूट जाता है। फिर वो किलर उसके पास आता है। एमिट अपने ही मन में कुछ बड़बड़ाते हुए उस किलर के सर पर से वो मास्क हटाती है और उसका चेहरा देख उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे यहाँ से जाने दो। इतने में वो किलर उसके सर में एक धारदार हथियार घुसा देता है और एमिट यहाँ से जंगल की तरफ एक गाना गाते हुए निकल जाती है। इधर जॉनस स्कूटर को तेज रफ्तार से भगा रहा था कि तभी उस किलर ने पहले से ही बिछाए कील से वो पंक्चर हो जाती है और जॉनस का स्कूटर एक पुलिया के ग्रिल से टकराकर जॉनस पानी में गिर जाता है। अब लीना और बाकी लोग मिलकर इस जगह से बाहर कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में सोच रहे थे। लीना इन्हें कहती है कि नदी के दोनों किनारों पर जो रस्सी बंधी है उसके सहारे हम यहाँ से निकल सकते हैं और ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये उसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। तभी एमे को वहाँ पड़ा एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है जिस पर एक न्यूज पढ़कर उन्हें पता चलता है कि वो किलर उसी किसान का बेटा माइक है। उसे ही तबेले में अपने डैड की लाश मिली थी और उसने उसी दिन कसम खाई थी कि वो अपने डैड के कातिलों को एक एक करके मारेगा। फिर ये सभी नदी के किनारे की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग बहुत डरे हुए थे। इन्हें वो किलर दिखाई देता है जिससे ये भागने लगते हैं। नादिया जब भाग रही थी तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तब तक वो किलर भी उसके पास पहुंच जाता है। नादिया अपने पास का डंडा उसके सर में मारती है और एक चाकू उसके आंख में घुसाती है जिससे वो किलर वही के एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर नादिया अपने आप को उस ट्रैप से छुड़ाती है। लीना और एमे रस्सी के पास पहुंच जाते हैं। लीना उस रस्सी से जाने के लिए बहुत डर रही थी। फिर एमे उसे हौसला देता है और अपने साथ लेकर उस नदी को पार करने लगता है। अब जैसे ही ये दोनों किनारे के उस पार पहुंचने वाले थे कि एमे देखता है उस किलर ने वहां नुकीली लकड़ियां लगाई है। वो अपने आप को उन लकड़ियों की तरफ ले जाता है और जैसे ही दोनों उन लकड़ियों से टकराते हैं सारी लकड़ियां एमे के शरीर से आर पार हो जाती है। इनमें से एक लीना के पेट में भी घुसी थी। लीना बड़े ही दर्द के साथ उसे बाहर निकालती है। एमे की मौत की वजह से वो बहुत दुखी हो गई थी। इधर जॉस और मारिया वापस रूम में आए हुए थे
तभी जॉस को दरवाजे के पास कोई आवाज आती है। वो जैसे ही दरवाजे से कान लगाकर सुन रहा था कि वो किलर एक कटर मशीन दरवाजे में घुसाता है, जिससे जॉस का कान कट जाता है। वो किलर अब पूरा दरवाजा काट कर अंदर आ जाता है, पर तभी वो मशीन बंद हो जाती है। इतने में मारिया मौका देखकर यहाँ से भागने लगती है, पर एक जगह जाकर वो रुक जाती है और उसे जॉस की चिंता होने लगती है। इधर वो किलर जॉस को बहुत ही मार रहा था, तभी मारिया वहां आकर उस पर अटैक करती है और वो किलर डरकर यहां से भाग जाता है। लीना यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी उसे नदी के किनारे उस किलर की बोट दिखाई देती है, जिसके पास ही इनका मोबाइल बॉक्स भी होता है। वो उस बॉक्स से मोबाइल निकालती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। जॉस और मारिया दोनों कमरे से बाहर आते हैं, तभी वो किलर इनके पीछे लगता है। वो मारिया को नीचे गिराकर एक ड्रिल मशीन उसके चेहरे के पास ले जा रहा था कि तभी जॉस वहां आकर उस मशीन को बंद करता है और अपने पास के लाइटर से उस किलर के चेहरे में आग लगा देता है। उसका चेहरा जलने लगता है। वो किलर पास ही के टब में भरे पानी में अपना चेहरा डुबाता है और वापस इन्हें मारने जाता है। तभी उसके पीछे से नादिया आती है और उस किलर के सर में मारती है, जिससे उसका मास्क नीचे गिरता है और उसके सर से खून बहने लगता है। वो किलर वही गिरकर मर जाता है। अपनी जान बची देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। लीना को रास्ते से कुछ पुलिस की गाड़ियां दिखती है, वो उन्हें आवाज देती है, पर इतने में भागते हुए उसके पास जॉनस आता है और उसे धक्का देकर नदी में गिरता है, क्योंकि जॉनस को पता था लीना अब पुलिस वालों को उसकी भी सच्चाई बता देगी। वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर लीना उसके सर के बालों को पकड़ कर खींचती है, जिससे वो उसके हाथों में आते हैं और जॉनस की यहीं पर मौत हो जाती है। बाद में रेस्क्यू टीम द्वारा इन सब को रेस्क्यू किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।